मुरैना जिले की यूनिवर्सिटी परीक्षा में सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामला सवलगढ़ तहसील के झुनपुरा गांव का है, जहां के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में भोज यूनिवर्सिटी की वार्षिक परीक्षा के दौरान खुलेआम सामूहिक नकल कराई जा रही थी और ये नकल कोई और नहीं उसी विद्यालय के प्राचार्य कल्याण सिंह जाटव और भीमसेन जाटव कक्ष में खड़े होकर नकल करवा रहे थे। मामला यही नहीं थमा, कुछ परीक्षार्थी सेंटर से बाहर पेपर हल कर रहे थे, जब कैमरा वहां तक पहुंचा तो वह सभी भाग खड़े हुए। झुनपुरा सेंटर पर नकल का कोई ये पहला मामला नहीं है, पहले से ही नकल माफिया यहां पर हावी हैं, साथ ही मोटी रकम खर्च कर प्रशासन को साधने में सफल हो जाते हैं। पेपर देने आए, पेपर दे भी ना आओ, नकल करावे आओ जाए, क्योंकि ऐसा माहौल बनते जाए। चक्कर जे के स्टाफ ऐसे आते हैं, मत पत्रकार ऐसे आते हैं, कर्मचारी ऐसे आते हैं, पैसा पैसा के वास्ते आते हैं, पैसा दे रहे को तो सब खेल खत्म, पैसा ना मिलता ना कुछ नहीं, दोनों ढक देते हैं। परेशानी करवा रहा था, जो आप लिपिक हैं तो जो प्राइवेट लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी वो किस आधार पर लगाई थी, जो परीक्षा करवा रहे थे जाकर जवाब साफ देंगे, और जो गाइडें रखी नकल चल रही थी मुझे इसका पता, मुझे इसका पता नहीं, मैं ऑफिस में मैं लिपिक था। नहीं, आपके सारे साक्ष्य उसमें हैं, मोबाइल में वीडियो है, आप कमरे में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। मैं वो आप शिक्षक को भी झूठ बोल रहे हैं, वो लेने गया था मैं, आप शिक्षक वगैरह कॉपी पेपर देने के लिए गया था। वो नकल कहाँ चल रही थी सर, मेरे पास वीडियो जिसमें आप खड़े हुए दिख रहे हैं, आपके सामने बच्चे नकल कर रहे थे, पर्यवेक्षक जिम्मेदार रहता उसके लिए सर। मुझे तो बाद में कहा, मैं गया कमरे में, नहीं तो आपके सामने बच्चे नकल कर रहे थे, तहसीलदार साहब ने जब्ती की है, सामने नकल नहीं कर रहे थे बच्चे मेरे पास सर, उसके वीडियो भी हैं, साक्ष्य भी हैं उसके, तो नकल करते तो रजिस्ट्रेट करते ना आप तहसीलदार साहब। अच्छा, जो प्राइवेट लोग जो परीक्षा करवा रहे थे तो वो किस आधार पे आपने नियुक्त किए हैं, ऐसा कोई लिखितम है उसका? सुनो मेरी बात, प्रावधान क्या है कि मैंने टीचरों को सबको ड्यूटी नोट कराई, नोट से भी भेजे, उसके बावजूद भी टीचर आए हैं, आज यहाँ रेगुलर टीचर थे 5-6, उसके बाद अगर टीचर कोई नहीं आया, वो ट्रेनिंग में थे टीचर, इसलिए उनकी परीक्षा तो कराना थी मुझे, इसलिए मैंने उनको लगाया। सर ऐसा कोई प्रावधान है कि बाहर से किसी व्यक्ति को लाके परीक्षा करवा सकते हैं? परीक्षा संपन्न कराने के लिए एंड टाइम पे व्यवस्था करना पड़ती है, किसी को भी बाहर वाले व्यक्ति से अपन करवा सकते हैं? बाहर कोई नहीं था, स्टाफ के ही थे। परीक्षाएं चल रही थी तो ऐसी सूचना मिल रही थी कि लगातार नकल की जा रही है सामूहिक रूप से, तो इसके संदर्भ में निरीक्षण किया गया तो सभी कमरों से प्रश्न बैंकें बरामद की गई, नकल की पर्चियां बरामद की गई हैं, उनको जब्ती में लिया गया है और विधिवत व्यवस्था बनाई गई है कि भविष्य में इन परीक्षा केंद्रों पर ऐसी सामूहिक नकल की स्थितियां ना बने। सर शिक्षक खड़े होकर सामूहिक नकल करवा रहे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? उनके नाम नोट कर लिए गए हैं, संबंधितों को शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस दिलवाया जाएगा कि पर्यवेक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करें। प्राइवेट व्यक्ति परीक्षा करवा रहे थे जिनका कहीं नाम है या ऐसा कुछ यहाँ है नहीं, इस संदर्भ में अभी जांच की जाएगी और भविष्य में पुलिस स्टाफ को भी इसमें प्रयोग किया जाएगा, जिससे बच्चों की बाहरी निगरानी हो जाए कि वो रियल में परीक्षार्थी है नहीं। तुम बाहर कॉपी लिख रहे हो क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? ये बाहर कॉपी लिख रहे हैं। केलरस से सुनील मोरी की रिपोर्ट।